हेलो फ्रेंड, मैं हूँ लक्ष्मी आर्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक स्केचिंग की। तो बेसिक तरीके से हम बर्ड स्केचिंग करेंगे, तो उसमें कलर फिल करके भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्केचिंग। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं बर्ड्स की स्केचिंग। तो कैसे सिंपल तरीके से हम स्केचिंग बनाएंगे, देखो। हर बार की तरह आपने पहले चोंच से स्टार्ट करना है। फेस का एंगल कैसा हो, ये आपने इमेज के हिसाब से बनाना है। तो हर बर्ड्स की जो स्केचिंग होती है ऐसी ही होती है, सेम तरीके से हम बनाते हैं, बस एंगल्स अलग अलग होते हैं बर्ड्स के। तो फेस की जो स्केचिंग होती है वैसी ही होती है, सेम पोजीशन में आप कैसे भी बना सकते हो, पर आप एंगल्स अलग अलग तरीके के दे सकते हो। जैसे फेस को घुमा दिया, घुमा देना, इधर कर देना, चाहे इधर साइड कर देना। आपने कौन सी साइड करना है ये आपने अपने इमेजिंग के हिसाब से ही ट्राई करना है, ड्रा करना है। तो यानी कि हर स्केच में ऐसे ही कुछ तरीके के साथ हम वर्क करते हैं, कुछ इस तरह से। तो अब देखो, मैं आइस बना रही हूँ। आपने ऐसे इसे करना है। आइस को जो बीच का जो पॉइंट है वो हम एक वाइट छोड़ देते हैं। जैसी भी ड्राइंग आपके पास है, ड्राइंग उसी के हिसाब से आपने स्केच को बनाना है। कुछ इस तरह से, यानी कि जो मेरे पास स्केचिंग है उसका फेस इस तरह से है, कुछ उसमें वर्क है पंखों का। तो सेम पोजीशन में ही पंख होते हैं, जैसे हम हर स्केच में बनाते हैं, सॉरी बर्ड्स स्केच में हम वर्क करते हैं वैसा ही वर्क होता है। तो जैसे हम पैर बनाते हैं वो भी सेम ही होते हैं। आपने तो ड्राइंग सिर्फ इमेज के हिसाब से करनी है, जैसी आपको दिख रही है वैसे ही। देखो, हमने ड्रा कर लिया कुछ ऐसे तरीके से। तो इसमें हम पैच वर्क करेंगे, लाइंस जैसे पंख होते हैं वैसे, कुछ इस तरीके से। आप चाहो कैसे भी कर लो। आपने कुछ इस तरीके की लाइंस बनानी है पंखों की, ऊपर के पंख कैसे होते हैं। कुछ इस तरीके के पंख आपने बनाने हैं, उसमें वर्क ऐसा करना है। यहाँ पर आपने ऐसे पिक वर्क करना है।
कुछ इस तरह से आपने डिज़ाइनिंग सी कर देनी है देखकर। तो जो मेरी पिक है, जैसे जो मैंने ली है, उसके बीच थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पर हम फिल करेंगे कलर्स। तो यहाँ पर करते हैं रेड। तो पहले आपने सिंपल ड्राइंग कर लेनी है किसी भी बर्ड की, चाहे ये ही हो, और फिर उसमें भर देने हैं कलर। जैसे मैं कर रही हूँ रेड कलर यहाँ पे। तो आपने कलर्स अपनी इमेजिंग के हिसाब से करना है, जो आपके पास इमेज है उसी के हिसाब से कलर करना है। तो हमने ये कर दिया रेड कलर फिल। तो इसमें इसको थोड़ा सा मैंने डार्क करने के लिए डार्क पिंक लिया है, तो मैं इसमें भर देती हूँ यहाँ से लाइट छोड़कर ऊपर की तरफ से डार्क कर देती हूँ। कुछ इस तरह से आपने ट्राई करना है। तो ये भी हम डार्क कर देते हैं आईज का भी। तो फिर मैं लेती हूँ फ्रोजी कलर। फ्रोजी कलर को करती हूँ यहाँ पे, जो मैंने लाइंस दी थी ये कलर की थी कि हमने कलर कौन सा भरना है यहाँ पे। तो ये हुआ फ्रोजी कलर। इस तरह से आपने इसमें फिल कर देना है कलर। तो इसको हम करेंगे डार्क। तो मैं आपको बताऊंगी कि डार्क कलर हम कैसे करेंगे। जैसे ये मैंने ये फ्रोजी कलर लिया था, और फिर हमने लेना है ब्लू कलर डार्क। तो इसमें मिक्स कर देना है ऐसे ही। यहाँ हमने फ्रोजी किया है, उसके ऊपर ही ब्लू कलर कर देना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम ये कलर कर देते हैं मजेंटा कलर, इसमें मिलता जुलता सा कलर है। तो इसमें भी हम ब्लू कलर मिक्स कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे भी हम ब्लू कलर करते हैं, सिर्फ ब्लू। यहाँ पे हम नहीं लेंगे ये वाला फ्रोजी कलर नहीं लेंगे, सिर्फ ब्लू लेंगे। तो इस यहाँ पर भी हम ब्लू कलर करेंगे। पहले हम करते हैं
थोड़ा पंखों पर वर्क, जैसे पंख हम डार्क कर देते हैं, बाद में दिखेगा नहीं। आप कैसे भी कर सकते हो। और बिखरे हुए पंख हमने बनाने हैं कुछ इस तरीके से। आपने पूरे स्केच में ऐसा ही एक पंखों का डिजाइन सा बनाना है डार्क करके, कुछ इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, कलर फिल कर देते हैं। इसके बीच ब्लू कलर लीजिए और इसमें ऐसे कर दीजिए, यानी कि पूरा फिल कर दीजिए। आपको ब्लैकनेस दिखाई देगी पंखों के बीच। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर हम ब्लैक पहले ही कर देते हैं तो हमें ज़्यादा ब्लैक और ऊपर से नहीं करना पड़ता। आप उसमें जैसा भी कलर फिल करोगे ब्लैक आपको दिखाई देता रहेगा उसके बीच, यानी कि पूरी स्केचिंग में ब्लैक दिखाई देता रहेगा। कुछ इस तरीके से आपने फिल करना है कि ब्लू दिखाई दे। कहाँ से डार्क करना है, कहाँ से लाइट करना है, आपने पूरी स्केचिंग में ये देखकर चलना है। यानी कि आपकी इमेजिंग है जो, उसको देखकर ही चलना है। आपने लाइट डार्क देख देख कर करना है सारा। तो इस तरह से हमने कर दिया है फिल, देखो ऐसे। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा मिक्सअप कलर कर देते हैं, जैसे और ये कर दिया है, सॉरी, और हम लेते हैं फ्रोजी कलर और यहाँ पर करते हैं फिल, देखो ऐसे। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक कलर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे मिक्स कर देते हैं इसके बीच। ये चारकोल पेंसिल है इसलिए कलर पर नहीं चलती। आपके पास कलर है तो आप उस कलर को भी मिक्स कर सकते हैं, मगर चारकोल पेंसिल कभी भी कलर पर नहीं चलती होती। ना ही ये पेंसिल होती है ना जो रेजल नहीं होती,
बस एक बार जो कर दिया सो वहीं पर पड़ा रहता है। कुछ इस तरीके से आपने इस पर वर्क करना है। तो ये आपके सामने एक सिंपल वर्क है जिसको जैसा भी हम बना सकते हैं, क्योंकि बर्ड्स स्केचिंग में ऐसा ही कलर होता है, ऐसे ही ड्राइंग होती है सिंपल कलर से, कुछ ज़्यादा वर्क नहीं होता। बर्ड्स का सब कुछ सेम होता है, कोई भी बर्ड्स बनाए उसकी शेप ऐसे ही होती है। जैसे हम हर रोज़ वन बाय वन कोई ना कोई एक बर्ड्स बनाते रहते हैं, बर्ड्स की स्टडी हम करते रहते हैं। तो आपके सामने है ये एक न्यू स्केच न्यू आइडिया के साथ। तो आपने ऐसा कोई भी वर्क करना है जिससे आप जिसको आप जो आपको अच्छा लगे वही वर्क करना है। उस ड्राइंग के अनुसार आपने कलर फिल करके देखना है। तो ट्राई करना इस स्केच को भी कलर भर के सिंपल बनाकर। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कर दिया है ऐसे, आपको पता चल गया होगा कि मैं इस बर्ड ये कौन सा बर्ड्स है, तो इसकी शेप कैसी होती है, कुछ इस तरह से आपने डिजाइन करना है। जैसे जो भी आपके पास है स्केच उसी के हिसाब से। तो इसको हम कर देते हैं ब्लैक इस तरह से। जैसे मैंने ये यहाँ से ब्लैक कर दिया, आप चाहो तो इसमें कलर फिल करके भी एक अच्छा ड्राइंग बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी ड्राइंग कर रहे हैं तो आपको कलर फिल करके भी दिखाएंगे नॉर्मल से। ये इसके पंखों का डिजाइन है। जो कि ब्लैक होता है यहाँ से। आपने यहाँ से डार्क करना है। देखो ये ऐसे। तो क्या करते हैं अब, ऑरेंज सॉरी येलो कलर लेते हैं तो इसके बीच ऐसे फिल कर देते हैं नॉर्मल कलर देने के लिए, यानी कि स्केच को कुछ अच्छा हम डिजाइन दे सकें। इसीलिए आपके पास जो भी कलर है उसे फिल कर देना है आपने आपकी ड्राइंग के हिसाब से। जैसे मैंने इसमें येलो कलर भर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा फीका कलर है, ये लाइट कलर है, तो इसमें ऑरेंज कलर दे देते हैं एक शेप बनाने के लिए, अच्छी डिजाइनिंग करने के लिए, कलर भरने के लिए। देखो अगर हम ड्राइंग में
ड्राइंग अच्छी बना लेते हैं, तो कलर आप जैसा भी भरोगे ड्राइंग आपको अच्छी ही दिखेगी, क्योंकि ड्राइंग की है हमने, बढ़िया की है, और उसमें हमने कलर फिल करके देखने हैं कैसे कैसे कलर फिल हम कर सकते हैं। जैसे ये नॉर्मल कलर से मैंने आपको स्केच बनाकर दिखाया है, तो आपने इसमें आराम से कलर जाए आप डार्क करोगे, जितना भी आप डार्क करते जाओगे उतना ही जो स्केच है वो ब्यूटीफुल बनता जाएगा। तो कलर आपने इस तरह से मिक्स करने हैं कि कलर मिक्स होने चाहिए, जैसे येलो में ऑरेंज हो गया तो आपको येलो भी दिखाई दे रहा होगा, इस तरह येलो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑरेंज भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और मिक्सअप कलर दोनों मिलके एक कलर को डार्क कर देते हैं। देखो ड्राइंग को कुछ अच्छा बनाने के लिए आपने हमने आज में कलर फिल कर किया है आपके सामने। आपने ऑरेंज कलर के ऊपर ब्राउन कलर फिल कर देना है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट छोड़कर तो ये जैसे डार्क है उसको वैसे ही थोड़ा सा लाइंस दे देते हैं इनकी, कुछ इस तरीके से। तो आपको पता होगा कि ये कौन सा बर्ड्स है, तो नॉर्मल तरीके के साथ आप के सामने मैंने एक स्केच बनाया है, तो इसमें ऐसे ही फिल कर देना है, तो वाइटनेस भी आपने यहाँ पर छोड़नी है, पूरा डार्क नहीं करना है, यानी कि वाइटनेस भी छोड़नी है। तो देखो बड़ा छोटा सा स्केच था, तो बड़े सिंपल तरीके से हमने बना दिया है। देखो आपने इस स्केच को भी ट्राई करना है बर्ड स्केचिंग में, वैसे ही तो स्टार्ट करते हैं। पीकॉक बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे तो उसका एंगल भी आपको बताएंगे। आपने इस तरह से ट्राई करना है, तो फेस का जो एंगल होता है हमने कुछ इस तरीके से बनाना है। तो हम सिंपल सा पीकॉक आपके सामने बनाकर दिखाएंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, ड्राइंग ही बनाएंगे हम थोड़ी सी इजी। तो डिजाइनदार हम ड्राइंग बनाएंगे, तो ये बन रही है आइस, आइस को बनाएंगे ऐसे थोड़ा सा लाइट छोड़कर, इस तरीके से डार्क करना है। तो आगे की जो ड्राइंग बना रहे हैं वो आप देखो, कुछ इस तरीके से। डिजाइनदार जैसे हमने कुछ ड्राइंग करनी है, यानी कि अपने तरीके के हिसाब से, पंखों का डिजाइन थोड़ा सा ऐसे आपने बना लेना है।
किस तरीके से के ड्राइंग आपने करनी है, क्योंकि मैंने ये सिंपल तरीके के साथ आपको बनाकर मैं सिर्फ स्केचिंग करके दिखाऊंगी इसमें कि आप इस प्रकार भी कोई और सा डिज़ाइन बनाकर भी आप स्टडी कर सकते हो, यानी कि जैसा भी आपको अच्छा लगे उसी की स्टडी करते रहा करो, क्योंकि ड्राइंग छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो बस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो हमने बर्ड्स की ड्राइंग जैसे करनी थी, ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा फुल ड्राइंग करें किसी की भी, पर अब हमारी जो ड्राइंग है वो अच्छी होनी चाहिए। सब्जेक्ट के अनुसार आपने हमारी जो प्रैक्टिस है वो हो रही है, यानी कि हम डेली की रूटीन वाइज जैसे हम स्केचिंग बनाते हैं जो बर्ड की, ये आपके सामने एक डिज़ाइनदार चीज़ बना रही हूँ मैं, यानी कि ये रियल्स में ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा अच्छे से होता है, कम समय में हम कैसा पीको बना सकते हैं डिजाइनदार, ये आपको मैं दिखा रही हूँ बनाकर। पंखों के बीच आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हो ऐसा भी, जैसे हमने सिंपल डिजाइन वर्क काम करना है कोई भी, जैसे पिक ले लेना है इसकी, आप सीन इसका लेकर आप सीनरी बना सकते हो, कोई भी चीज़ आपने बनानी है कोई भी कम समय में, तो आपने ऐसा ड्राइंग करना है जो असली में नहीं हो पर अच्छा हो देखने के लिए। तो पंखों की डिजाइनिंग आपने किसी भी तरीके से कर देनी है, कहीं से भी, चाहे इसको ऐसे ही छोड़ दो फिर भी ये जो ड्राइंग है वो अच्छी लगेगी। आप चाहो तो इसमें इसके जो पंखों का डिजाइन है वो ऐसे ऐसे करके आप डार्क कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ, एक लाइंस देकर डार्क लाइट कुछ इस तरीके से। यानी कि पंखों का ऊपरला जो हिस्सा है वो ब्लैक कर देना है ऐसे, तो अब हम ऊपर की तरफ से जाते हैं, हम इतना ही वर्क करेंगे यहाँ पे। आप चाहो तो और भी इसका डिज़ाइन वर्क कर सकते हो, तो इसमें थोड़ा सा ऐसे लाइंस दे दो, आपको कैसे भी अच्छी लगे हमें ऐसे ऐसे करके, तो जो हमने आउटलाइनिंग दी है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ से डार्क कर देते हैं, ऐसे रब कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे
तो ये सिंपल तरीके का पीकॉक मैंने बनाकर दिखाया है। आप चाहो तो इसमें क्या करोगे, यहाँ पे हम पैर बना देते हैं ऐसे कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आपने इसके पैर बनाकर भी पिकॉक बना सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल भी बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया। तो आपने इस स्केच को भी ट्राई करना है। तो अगली प्रैक्टिस हम करते हैं जो स्केच बनाएंगे, एक अलग तरीके से स्केचिंग करेंगे, जैसे कि हम पैच वर्क आपको करके दिखाएंगे कि हम कैसे करते हैं पैच वर्क। तो इस तरह आपने कोई भी बर्ड्स की ड्राइंग ले लेनी है, जो भी आपको इजी लगे। तो आपने इस तरीके से उसकी ड्राइंग करनी है, यानी कि उसमें कलर हम फिल नहीं करेंगे। बिना कलर से हम ड्राइंग कैसे करेंगे, देखो कुछ इस तरीके से आपने डार्क लाइट करना है। जैसे मैं आपके सामने ये ड्राइंग कर रही हूँ, तो थोड़ा सा हम आइडियाज ले लेते हैं ऐसे कुछ इस तरह से, यानी कि ये पंखों का आइडियाज ले लेते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से पंख कैसे बनाने हैं। ये इस तरह से आपने पूरी ड्राइंग आइडिया के साथ ड्रा कर लेना है स्केच को। ये मैंने छोटा सा आइडिया के साथ आपको बनाकर दिखाया है। और मैं इसमें क्या करूँगी, ये देखो कि हमने पैच वर्क सा काम करना है, जो कि कैसे होगा, जैसे मैंने चोच ऐसे थोड़ी सी लाइन छोड़कर बाकी का डार्क कर दिया, तो ये आइस आ गई। तो आइस का ऊपर का जो हिस्सा है थोड़ा सा लाइट लाइन छोड़कर आपने ऐसे ड्रा कर लेना है, जिसका डिजाइन ऐसा हो। तो आपने यहाँ से क्या करना है, इस तरह से ब्लैक कर देना है, फिर कुछ इस तरह से आगे का जो हिस्सा है वो डार्क कर देना है ऐसे। तो ये भी ऐसे ही आपने करना है। तो जो मैंने ये लाइंस दी है उसको आपने ऐसे ऐसे डार्क करना है कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने ये इसको भर दिया कुछ ऐसे, तो ये भी कुछ ऐसे तरीके से हमने करना है। तो यहाँ से हम ये कर देते हैं। इसको पैचवर्क वर्क कहते हैं कि हम कहीं से भी टच करके चीज़ को वैसे बना देते हैं जैसे कि ड्राइंग हो, स्केचिंग हो। कुछ लाइंस को डार्क करके ऐसे,
और वो पंखों का ऐसे कुछ डिजाइन आपने बना लेना है। तो थोड़ी सी लाइन छोड़ छोड़ कर आपने ऐसे कुछ डार्क करते जाना है नीचे की ओर। थोड़ी सी लाइन छोड़कर आपने ऐसे डार्क करना है। जैसे हम पंखों को शेड देते हैं वैसे आपने डार्क करते जाना है ऐसे। थोड़ी सी लाइट छोड़कर कुछ इस तरीके से भर देना है। तो आगे का भी ऐसे ही पंख बनाना है आपने। तो ऐसे आपने एक लाइन छोड़ देनी है, तो इसको ऐसे भर देना है ऐसे। तो ये नीचे का जो पंख है इसको भी हम ऐसे लाइट छोड़ कर डार्क करते जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो रह गया नीचे का, और नीचे आपने क्या करना है इसको ऐसे डार्क करना है, यानी कि ये लाइट छोड़ देनी है, यहाँ पे ये हिस्सा छोड़ देना है आपने। तो ये रहा एक सिंपल स्केच, कितना भी अच्छा हो आपको देखने को देखकर पता चल जाएगा कि हमने एक पैच वर्क काम किया है, यानी कि कहीं पे भी आप टच करके ऐसा भी ड्राइंग बना सकते हो जो मैंने किया है। तो आपने इस स्केच को भी उन स्केच में से ट्राई करना है, यानी कि पैच वर्क काम कैसे कर सकते हैं। तो गाइज आपने इस स्केच को भी ट्राई करना है।